Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Gunjan and you're watching Simply Fly. So friends, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं how to request for the wheelchair on flight. फ्रेंड्स, आपने फ्लाइट के दौरान कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि कई सारे व्हीलचेयर पैसेंजर्स भी फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं. तो अगर उस व्हीलचेयर की रिक्वायरमेंट कभी आपको पड़ती है या फिर आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस व्हीलचेयर के लिए कैसे रिक्वेस्ट पुट अप करनी है, उसको कैसे बुक करना है फॉर द डोमेस्टिक फ्लाइट और फॉर द इंटरनेशनल फ्लाइट, या फिर कौन सी व्हीलचेयर आपके लिए सुटेबल होगी, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी. इसको और भी इजीली समझने के लिए आज की इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें पॉइंट नंबर 1 है व्हाट आर दी कैटेगरीज ऑफ दी व्हीलचेयर, कितने टाइप्स की होती हैं व्हीलचेयर. सेकंड, हाउ कैन यू बुक फॉर दी व्हीलचेयर, आप कैसे व्हीलचेयर को बुक कर सकते हैं. तीसरा है व्हाट आर दी चार्जेस फॉर दी व्हीलचेयर, व्हीलचेयर के लिए क्या कोई चार्जेस लगते हैं और अगर लगते हैं तो क्या चार्जेस होते हैं. फोर्थ है सिटिंग अरेंजमेंट फॉर दी व्हीलचेयर, व्हीलचेयर को कौन सी सीट दी जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे. एंड दी लास्ट इज बोर्डिंग ऑफ दी व्हीलचेयर, व्हीलचेयर को कब बोर्ड किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में. एट दी लास्ट मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देने वाली हूँ आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है उसे मिस ना करें और आपको ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द पॉइंट नंबर 1, दैट इज कैटेगरीज ऑफ व्हीलचेयर, व्हीलचेयर कितने टाइप्स की होती है. अगर व्हीलचेयर की बात करें फ्रेंड्स, तो व्हीलचेयर बेसिकली 3 टाइप की होती है, जिसमें पहली होती है WCHR, दैट मींस व्हीलचेयर अप टू रैंप. ये व्हीलचेयर उन पैसेंजर्स के लिए होती है जिनको वॉक करने में प्रॉब्लम होती है, वो काफ़ी दूर तक वॉक नहीं कर सकते हैं, उनको खड़े रहने में प्रॉब्लम होती है ड्यू टू ओल्ड एज या फिर कोई मेडिकल इशू की वजह से. अगर वो ज़्यादा देर तक नहीं खड़े रह सकते हैं, ज़्यादा दूर तक वॉक नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे पैसेंजर्स को ये व्हीलचेयर दी जाती है. ये व्हीलचेयर बेसिकली आपको एयरक्राफ्ट के स्टेप लैडर दी जाती है. ये वो पैसेंजर्स होते हैं जो स्टेप लैडर तो क्लाइम कर लेते हैं विद सम हेल्प और सपोर्ट के साथ, धीरे धीरे वो स्टेप लैडर चढ़ लेते हैं, बट उन्हें स्टेप लैडर तक व्हीलचेयर चाहिए होती है. तो ये व्हीलचेयर उन लोगों के लिए होती है. बात करते हैं सेकंड टाइप की, तो वो होती है WCHS, दैट मींस व्हीलचेयर अप टू स्टेप लैडर. यानी कि वो पैसेंजर्स जो वॉक करने में भी जिनको प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा देर तक भी नहीं खड़े रह सकते हैं, और उनको स्टेप लैडर क्लाइम करने में भी प्रॉब्लम होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, तो ऐसे पैसेंजर्स को व्हीलचेयर अप टू स्टेप लैडर दी जाती है. मतलब कि उनको स्टेप लैडर चढ़ा के केबिन के डोर तक, मतलब जो एयरक्राफ्ट डोर तक है वहाँ तक उनको छोड़ा जाता है, उसके बाद वो वॉक करके अंदर अपनी सीट पर जाके बैठ जाते हैं. थर्ड इज WCHC, दैट मीन्स व्हीलचेयर अप टू केबिन. ऐसे पैसेंजर्स जो बिल्कुल भी वॉक नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सकते हैं विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी समबडी सपोर्ट, वो बिल्कुल भी नहीं खड़े हो सकते हैं, ऐसे पैसेंजर्स को व्हीलचेयर केबिन तक दी जाती है, यानी कि उनकी सीट तक उनको छोड़ा जाता है. जो लोग बिल्कुल भी वॉक नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे पैसेंजर को WCHC व्हीलचेयर दी जाती है. ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें व्हीलचेयर्स को डिवाइड किया जाता है और पैसेंजर एज पर देयर रिक्वायरमेंट अपने लिए व्हीलचेयर के रिक्वायरमेंट पुट अप करते हैं. पॉइंट नंबर 2 इज हाउ कैन यू बुक फॉर दी व्हीलचेयर, व्हीलचेयर को कैसे बुक किया जा सकता है, व्हीलचेयर के लिए कैसे रिक्वायरमेंट और रिक्वेस्ट पुट अप की जा सकती है. तो इसके 2 तरीके हैं फ्रेंड्स, एक होता है ऑनलाइन, दूसरा होता है ऑफलाइन. ऑनलाइन वो होता है फ्रेंड्स जब आप अपना टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं किसी वेबसाइट के थ्रू, एयरलाइन वेबसाइट के थ्रू या फिर एजेंट के थ्रू, तो वहां पे आपके पास एक ऑप्शन आता है स्पेशल सर्विस का, तो आप वहां पे अपने व्हीलचेयर के लिए रिक्वेस्ट पुट अप कर सकते हैं और आपकी व्हीलचेयर बुक हो जाएगी. दूसरा तरीका है ऑफलाइन, दैट मींस आप एयरपोर्ट पे जाके जब अपना टिकट बुक कराते हैं या फिर आपने टिकट तो बुक कर लिया बट आप एयरपोर्ट पे जाके व्हीलचेयर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो व्हीलचेयर आपकी वहां से भी बुक हो जाती है. बट आफ्टर कोविड बहुत सारी ट्रैवल पॉलिसीज चेंज हुई हैं और बहुत सारी एयरलाइंस ने ये पॉलिसी चेंज कर दी है. अब ये टोटली 100% ऑनलाइन कर दिया है व्हीलचेयर बुकिंग को. तो मैं आपको यही पर्सनली एडवाइस करूंगी कि अगर आपको सच में जेन्युइनली भी व्हीलचेयर की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो आप ऑनलाइन ही बुक कर लीजिए. जब आप अपना टिकट बुक करते हैं तो वहीं पे अपनी रिक्वेस्ट पुटअप कर दीजिए सो दैट आपको एयरपोर्ट पे पहुंच के कोई इनकन्वीनियंस ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स एयरलाइन के पास बहुत ही लिमिटेड व्हीलचेयर होती हैं एज पर द नंबर ऑफ द फ्लाइट्स. तो इसलिए
वहाँ पे जाके आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो, इट्स बेटर कि आप जब अपनी टिकट बुक करते हैं उसी टाइम अपने लिए व्हील चेयर भी बुक कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3 इज चार्जेस फॉर व्हील चेयर। व्हील चेयर इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस इन एवरी एयरलाइन, चाहे फिर वो डोमेस्टिक एयरलाइन हो या फिर इंटरनेशनल एयरलाइन हो, हर जगह व्हील चेयर सर्विस जो है कम्प्लीटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं पे करने होते हैं आपको। बट फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, कई बार अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपका 7-8 साल का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसमें मैंने कई बार नोटिस किया है कि पैसेंजर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा वॉक ना करना पड़े या फिर बैगेज को कैरी ना करना पड़े, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो व्हील चेयर के लिए रिक्वेस्ट पुट अप कर देते हैं। तो ऐसे में होता क्या है फ्रेंड्स कि कई बार ऐसा होता है कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है इतनी ज़्यादा व्हील चेयर की, बट स्टिल आप व्हील चेयर के लिए रिक्वेस्ट पुट अप कर देते हैं। बट कभी ऐसा होता है कि जो जेन्युइन पैसेंजर होता है जिसको सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है व्हील चेयर की, उसको व्हील चेयर नहीं मिल पाती है ड्यू टू दी लैक ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि एयरक्राफ्ट में जो होता है लिमिटेड व्हील चेयर ही होती हैं हर एक एयरपोर्ट पे, हर एक एयरलाइन के पास एज पर दी नंबर ऑफ फ्लाइट्स व्हील चेयर अवेलेबल होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जिनको सच में ज़रूरत होती है उनको व्हील चेयर मिल ही नहीं पाती है। तो ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप कभी ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं या करने की सोच भी रहे हैं तो ना करें, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपकी छोटी सी गलती की वजह से मे बी किसी जेन्युइन इंसान को व्हील चेयर ना मिल पाए। तो ये एक ऐसी सर्विस है जिसको कर्टिसी बेसिस पे फ्री ऑफ चार्ज रखा गया है, तो ये उन लोगों के लिए ही रहने दे जिनको सच में ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 4 इज सिटिंग अरेंजमेंट फॉर दी व्हीलचेयर पैसेंजर्स। व्हीलचेयर पैसेंजर्स को कौन सी सीट अलॉट की जाती है? सो फ्रेंड्स, व्हीलचेयर पैसेंजर्स को उनकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग ही सीट अलॉट की जाती है। ऐसे पैसेंजर्स जो अपने आप से वॉक कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प और सपोर्ट, अपने आप खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, ऐसे पैसेंजर्स को कोई भी सीट अलॉट की जा सकती है, चाहे वो विंडो सीट हो, मिडिल सीट हो, आइल सीट हो, कोई भी सीट दी जा सकती है एक्सेप्ट इमरजेंसी रो। इमरजेंसी रो में व्हील चेयर पैसेंजर्स को नहीं बिठाया जाता है। वो इसलिए नहीं बिठाया जाता है क्योंकि जो इमरजेंसी रो होती है वहाँ पे एयरक्राफ्ट के इमरजेंसी डोर्स होते हैं, और ये जो डोर्स होते हैं अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो ये डोर्स जो होते हैं इवैक्यूएशन के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए व्हील चेयर पैसेंजर्स को इमरजेंसी रो अलॉट नहीं की जाती है, एक्सेप्ट दैट कोई भी सीट दी जा सकती है। दूसरी कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि ऐसे पैसेंजर्स जो बिना हेल्प के अपनी सीट से ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं, ऐसे व्हीलचेयर पैसेंजर्स को सिर्फ और सिर्फ आइल सीट दी जाती है। और तीसरी कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि व्हीलचेयर पैसेंजर्स को प्रेफरेबली या तो फॉरवर्ड सेक्शन में दिया जाता है सीट या फिर रेयर सेक्शन में दिया जाता है, सो दैट उनको बहुत ज़्यादा वॉक ना करना पड़े, और अगर उनको वॉशरूम यूज़ करना है तो वॉशरूम एयरक्राफ्ट के या तो फॉरवर्ड सेक्शन में होता है या रेयर सेक्शन में होता है तो वॉशरूम नियर बाय हो सो दैट उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो अगर उनको वॉशरूम यूज़ करना है तो। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज बोर्डिंग ऑफ व्हीलचेयर पैसेंजर्स। सो फ्रेंड्स, व्हीलचेयर को बोर्ड करने के कोई स्पेशल रूल नहीं है, व्हीलचेयर को कभी भी बोर्ड किया जा सकता है अगर पैसेंजर अपने आप से वॉक कर सकते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, अपनी सीट तक जा सकते हैं या स्टेप लैडर चढ़ सकते हैं विद सम हेल्प और सपोर्ट, या फिर अपने आप से भी वो स्टेप लैडर धीरे धीरे करके चढ़ सकते हैं, तो ऐसे व्हीलचेयर पैसेंजर्स को कभी भी बोर्ड किया जा सकता है। चाहे आप उनको फर्स्ट में कर सकते हैं, लास्ट में कर सकते हैं, इन बिटवीन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। बट वो व्हीलचेयर पैसेंजर्स जिनको सीट तक व्हीलचेयर चाहिए होती है, वो बिना सपोर्ट के हेल्प के वो सीट तक नहीं जा सकते हैं, ऐसे व्हीलचेयर पैसेंजर्स को या तो सबसे पहले बोर्ड किया जाता है या फिर सबसे लास्ट में बोर्ड किया जाता है। इसके पीछे रीजन ये होता है फ्रेंड्स कि अगर उनको इन बिटवीन बोर्ड किया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि जो बोर्डिंग होती है वो स्टक हो जाती है, पैसेज ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से बोर्डिंग स्टॉप हो जाती है और डिले भी हो जाती है और फ्लाइट के भी डिले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से ऐसे पैसेंजर्स को या तो सबसे पहले बोर्ड कर दिया जाता है या सबसे लास्ट में बोर्ड कर दिया जाता है, सो दैट जो बोर्डिंग होती है वो स्टक ना हो। सो फ्रेंड्स, ये थी व्हीलचेयर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि वीडियो के एंड में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी शेयर करूंगी, उसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि पैसेंजर्स अपनी पर्सनल व्हीलचेयर भी कैरी करते हैं, तो अगर आप अपनी पर्सनल व्हीलचेयर कैरी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो उसको चेक इन में भी दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ चेक इन, जब आप अपना बोर्डिंग पास कर
सेलेक्ट करें, तो उस टाइम आप अपना जो व्हील चेयर है उसको चेक इन के लिए दे सकते हैं, और आप जब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, दैट टू ऑफ विदाउट एनी चार्जेस, आपको उस व्हील चेयर के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो उस व्हील चेयर को रैंप तक भी कैरी कर सकते हैं, मतलब जो एयरक्राफ्ट का स्टेप लैडर होता है वहां तक भी कैरी कर सकते हैं, बट एयरक्राफ्ट के अंदर आप नहीं ले जा सकते हैं, वहां पे आपको उस व्हील चेयर को हैंड ओवर करना होगा और वो व्हील चेयर जो होगी एयरक्राफ्ट के कार्गो होल्ड में लोड की जाएगी। इसीलिए पैसेंजर्स को एडवाइस किया जाता है एट द टाइम ऑफ चेक इन ओनली कि आप अपना ये जो व्हील चेयर है इसको चेक इन में दे दीजिए, और आपको जो है एयरलाइन की तरफ से व्हील चेयर दी जाएगी, क्योंकि जो एयरलाइन की व्हील चेयर होती है वो थोड़ी छोटी होती है साइज में, और अगर आपको कभी एयरक्राफ्ट के अंदर तक व्हील चेयर चाहिए होती है, केबिन तक व्हील चेयर चाहिए होती है, तो आपकी जो अपनी पर्सनल व्हील चेयर होती है वो एयरक्राफ्ट के हिसाब से नहीं बनी होती है और उसको आप अंदर कैरी नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको शिफ्ट करना होता है। इसलिए जो स्टाफ होता है वो आपको पहले ही एडवाइस कर देता है कि अगर आप चाहें तो आप इसको चेक इन में दे दीजिए और आपको जो एयरलाइन की तरफ से व्हील चेयर दी जाती है वो दी जाएगी। दूसरी चीज़ ये फ्रेंड्स कि आफ्टर लॉकडाउन बहुत सारे चेंजेस आए हैं एयर ट्रैवल में, ये हम सभी जानते हैं, कई सारी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई हैं जिसमें न्यू बैगेज पॉलिसी भी आ गई है, जिसमें एक पैसेंजर सिर्फ एक चेक इन बैगेज और एक कैबिन बैगेज ही कैरी कर सकते हैं, बट अगर व्हील चेयर पैसेंजर चाहें तो अपने चेक इन बैगेज को के साथ साथ अपना जो हैंड बैगेज है उसको भी चेक इन करा सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, अगर वो चाहें। अगर वो नहीं चाहते हैं कि वो अपना हैंड बैगेज हाथ में कैरी करें, उन्हें हाथ में कैरी करने में प्रॉब्लम है, तो उसको भी वो चेक इन में दे सकते हैं, दैट टू ऑफ विदाउट एनी चार्जेस। और न्यू बैगेज पॉलिसी क्या है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में भी दे दूंगी, तो वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट व्हीलचेयर पॉलिसी, व्हीलचेयर को कैसे बुक कर सकते हैं, व्हीलचेयर कितने टाइप्स की होती है, आपके लिए कौन सी सूटेबल है, ये सारी चीज़ें और व्हीलचेयर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, बट स्टिल अगर मैं कोई पॉइंट मिस आउट कर रही हूँ तो आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, अगर उनके माइंड में कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, सो दैट मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।